नमस्कार दोस्तों, DDA ASO मेंस 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है। पेपर काफ़ी इजी बता रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी अगर किसी ने भी ये गलती करी होगी तो उसका सिलेक्शन लगभग इम्पॉसिबल है। आइए उससे पहले जानते हैं सब्जेक्ट वाइज रिव्यू। तो क्वांट बहुत ही इजी आई थी, रीजनिंग भी काफ़ी इजी बता रहे हैं। इंग्लिश में कई क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, इंग्लिश मॉडरेट है। GS भी इजी टू मॉडरेट थी और कंप्यूटर भी इजी टू मॉडरेट ही था, लेकिन जो मेन कैच था वो था टाइपिंग में। दोस्तों दरअसल जब DDA ASO का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये मेंशन नहीं था कि एवेल्यूएशन कैसे होगा, और DDA ने बोला था कि हम ये बाद में बताएंगे अपनी वेबसाइट पर। उसके बाद DDA ने ये नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने बताया कि कैसे एवेल्यूएट होगी आपकी टाइपिंग। और यह एवेल्यूएशन स्कीम बहुत ही अजीब है दोस्तों, इसमें अगर आपने एक भी वर्ड गलत किया है तो उसको 10 वर्ड गलत के बराबर माना जाएगा। और ये फॉर्मूला आपके सामने है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आपने 5 गलती करी हैं तो उसको 50 गलतियां माना जाएगा, और आपकी जो स्पीड है वो 34 वर्ड पर मिनट हो जाएगी और आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको याद है कि आपके ग्रॉस की स्ट्रोक्स कितने थे तो आप भी देख सकते हैं इसमें, इस फॉर्मूले से, कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। लेकिन इस अजीब से मेथड से तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों।